हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाली इक्वेशन कौन सी होती है, और हमने इसके कुछ मेथड्स देखे थे सॉल्व करने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को सॉल्व करने का एक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में हम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन दे रखी है, उनको मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 3x + 4 अपॉन 5 इक्वल टू 2x - 3 अपॉन 3। अब हम इक्वल का साइन हटा के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 3 का मल्टीप्लाई इधर करना है और 5 का मल्टीप्लाई इधर करना है। हमारी इक्वेशन क्या बनी, 3 × 3x + 4 इक्वल्स टू 5 2x - 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 से, क्या आया, 3 × 3x प्लस 3 × 4 3 × 4। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2x 5 × 2x। देन हम करेंगे 5 × -3, तो हमने माइनस को पहले ले लिया है, 5 × 3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 3 = 9x प्लस 4 × 3 = 12 इज इक्वल्स टू 5 × 2 = कितना होता है 10 माइनस 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15। अब हम x और x की वैल्यू को एक साइड ले लेंगे और नंबर्स को एक साइड ले लेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे, चाहे इनको इधर लेके जाओ या इनको इधर लेके जाओ, बात एक ही है। तो हम इधर ले रहे हैं नंबर्स 12, जब ये माइनस 15 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10x। जब ये 9x क्या है, प्लस में है, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 12 और 15 कितने होते हैं, 5 × 2 = 7 1 over 1। अब इधर 10x - 9x क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आई x की 27। अब हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे कि x की जगह जब हम 27 रखते हैं तो दोनों इक्वेशन सेम आती है क्या, करेंगे कि x की जगह 27 पुट करने पर दोनों वैल्यू सेम आती है क्या। 3 × 27 + 4 / 5। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 × 27 - 3 / 3। ठीक है, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 81 प्लस 4 अपॉन में 5। जब 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 माइनस का 3 अपॉन 3। 81 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा, 85 अपॉन 5। 54 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 51 अपॉन 3। डिवाइड करवा दो, 85 में जब 85 में 5 का डिवाइड करवाएंगे क्या आएगा, 17 आ गया, यहाँ से क्या आया 17। 51 को 3 से डिवाइड करवा दो क्या आएगा, 51/3 क्या आ गया, यहाँ से भी 17 आ गया। दोनों इक्वेशन सेम हैं, इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया है 6x + 7 / 3x + 2 इक्वल 4x + 5 / 2x + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। हमने लिया 2x प्लस 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले डिजिट से, 6x प्लस 7 इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो क्या आएगा, 3x प्लस 2, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब 2x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 3 को वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 2x को मल्टीप्लाई करवाया 6x से, फिर हमने क्या लिखा, प्लस, अब 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, 2x मल्टीप्लाई 7। देन अब हम करवाएंगे 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6x से, प्लस 3 मल्टीप्लाई 6x, देन 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x मल्टीप्लाई 4x प्लस 3x मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, 2 मल्टीप्लाई 4x, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12, x को x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, x स्क्वायर, प्लस 2x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 14x, प्लस 6x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 18x, प्लस 7 3 जा क्या होता है, 21 इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे 3x को 4x से मल्टीप्लाई किया क्या आया, 12x स्क्वायर, प्लस जब हम 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 15x, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से, प्लस 8x, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 10। अब हम दोनों को एक साइड कर लेंगे, 12x स्क्वायर, इधर x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू देखनी है, ये क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर, तो इधर भी हम x स्क्वायर की वैल्यू को लेके आएंगे, यहाँ हमने किया 12x स्क्वायर, जब ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब हमने लिया x की वैल्यू 14x, यहाँ पे x की वैल्यू कौन कौन सी है, दो तो यहीं पे है, जब हम 15x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 15x, 8x को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8x, ठीक है, दो डिजिट बची है, एक तो 21 और एक 10, 21 लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे 21, ये राइट हैंड साइड में है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगी मतलब इक्वल के इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब हम यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, 14 18 कितने हुए जाएगा, 32x, अब ये दोनों डिजिट क्या है, माइनस की है, माइनस 15 और माइनस 8 क्या हो जाएंगे, माइनस के 23x, प्लस वहाँ पे क्या है, 21 माइनस 10 कितने हो जाएंगे, 11 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, 32 में से 23 माइनस करेंगे क्या आएगा, 9x प्लस का 11, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 9x इज इक्वल्स टू, ये माइनस 11 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11, यहाँ पे क्या है, x 9x के मल्टीप्लाई में है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 11 अपॉन 9, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशन, कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम हो उसको हम लीनियर इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, पैरामीटर दे रखा है एक रेक्टेंगल का 13 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ दे रखी है 2 3/4 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ से पैरामीटर क्या होगा, 13 सेंटीमीटर,
जो हमको गिवन है, चाहे वो एरिया हो, पैरामीटर हो, हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 × लेंथ + विड्थ। ब्रेथ लिख दो चाहे विड्थ लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। लेंथ और विड्थ को दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 × हमको लेंथ दे नहीं रखी इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। क्या दे रखा है, 2 × 3/4 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। लेंथ प्लस 4 × 2 इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो अपॉन में है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8, 8 में 3 ऐड कर दो, 11/4। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, 13 = 2 × L + 2 × 11/4। 2 से ये कैंसिल, 2 × 13 = 2L + 11/2। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, यहाँ पे क्या है अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 × 2 क्या होता है, 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 4L + 11 क्या आ गया। यहाँ से हम लिख देंगे, ये 13 के पास चला जाएगा इधर, 13 × 2 = 4L + 11। 13 × 2 क्या होता है, 26। जब ये 11 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11। मेरे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, 26 − 11 और 4L। 26 − 11 करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, 15। यहाँ से आ गया हमारे पास 15 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, 4L। हमको क्या निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है, 15/4 क्या आ गई, हमारी लेंथ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू हॉल नंबर इज 66। कोई दो हॉल नंबर है वो हमें गिवन नहीं है लेकिन उनका डिफरेंस हमें गिवन है 66। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5 और हमें उन नंबर का रेशियो दे रखा है 2:5। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट आर द टू नंबर्स, वो नंबर क्या है जिनका डिफरेंस तो क्या है 66 है और रेशियो क्या है 2:5 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंस दे रखा है और रेशियो दे रखा है। अगर हमें रेशियो गिवन है तो हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उस रेशियो को कैसे ले लेंगे, हमें क्या था 2:5, हम उसको ले लेंगे। इनका डिफरेंस क्या था, 66। 2 को हमने 2x ले लिया, 5 को हमने 5x ले लिया। अब हमें बोला गया था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 66, तो हमने इनको माइनस कर दिया और इक्वल में क्या लिख दिया, 66। 5x − 2x कितना हो जाएगा, 3x = 60। x = 66/3। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 22। अब हमने जो रेशियो लिया था 2x और 5x, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 22 = 44। 5x = 5 × 22 क्या जाएगा। तो ये हमारे दो नंबर है जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 66 आ रहा है। चेक कर लो, इसमें से 66 को माइनस करोगे क्या आए, सॉरी 44 को माइनस करोगे क्या आएगा, 66 ही आएगा, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। दो पर्सन हैं अनु और राज, जिनकी एज का रेशियो दे रखा है 4:5। 8 years from now, the ratio of their age will be 5:6. 8 years बाद उनकी एज का रेशियो चेंज हो जाता है, 5:6 हो जाता है, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो लीनियर इक्वेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इज
हमें रेशियो में दे रखी है 4:5, तो हम उसको क्या मान लेंगे? अनु की एज तो 4x और राज की एज क्या हो गई? 5x, हमने ये ले लिया। अब हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन में बोल रखा है कि 8 ईयर्स बाद इनकी एज का रेशियो 5:6 हो जाता है, तो 8 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा इनकी एज का रेशियो? 4x। अभी क्या है उसकी एज? 4x है। 8 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी? 4x+8। राज की एज क्या है अभी? 5x। 8 साल बाद क्या हो जाएगी उसकी एज? 5x+8। ठीक है। और हमें क्वेश्चन में इनका रेशियो दे रखा है 5:6, तो अनु की एज क्या आ गई? 4x+8 अपॉन राज की एज क्या है? 5x+8। इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है 5:6। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x तो क्या आएगा? 24x। ठीक है। प्लस 6 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो क्या आ जाएगा? 48 = 2। जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से तो क्या आएगा हमारे पास? 25x। प्लस जब हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 40। ठीक है। अब x की वैल्यू को एक साथ और नंबर्स वाले को एक साथ, 48। ये माइनस, ये प्लस का 14 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 40। ये क्या है? 25x। यहाँ क्या है? 24x। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25x-24x। 48 में से 40 माइनस हुए क्या हुआ? 8। यहाँ से 25-24 क्या हो जाएगा? x। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x = 8। यहाँ पुट कर दो क्या आएगा? जब हमें 4x दे रखा है, x की वैल्यू हमें पता है, तो 4 × 8 क्या आ जाएगा? 32। मतलब अनु की एज क्या है अभी? 32 है। और हमें क्या दे रखा है? 5x। अब हमें राज की वैल्यू निकालनी है कि राज की एज क्या है, तो 5 × 8 क्या आ जाएगा? 40। तो यहाँ से अनु की एज आ गई और यहाँ से राज की एज आ गई। इस प्रॉब्लम का हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। 2 equal sides ऑफ एन isosceles ट्राइंगल आर 3x-1 एंड 2x+2 यूनिट्स। एक isosceles ट्राइंगल है, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके कोई दो साइड आपस में इक्वल है और तीसरी साइड अलग है। द थर्ड साइड इज़ 2x यूनिट्स। तो हमने मान लिया कि जो दोनों साइड इक्वल है वो ये है 3x-1 और 2x+2, और जो थर्ड साइड है वो हमने मान ली 2x है, ये वाली। ठीक है। फिर इन क्या बोला है क्वेश्चन में? द थर्ड साइड इज 2x यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें पैरामीटर निकालना है। तो ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा? तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे। कब करेंगे? जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो हमें बोला गया कि ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम इनको कैसे लिख देंगे? 3x-1 = 2x+2। यहाँ से हम इजीली इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3x, ये 2x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 2। ये यहाँ पे -1 है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। 3x-2x क्या हो जाएगा? x = 3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब हमें पता चल गया कि x की वैल्यू है 3, तो हम पुट करेंगे। सबसे पहले साइड कौन सी थी हमारे पास? 3x-1 = 3। अब x क्या है? इसके मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू को क्या कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1। 3 × 3 = 9। 9 - 1 क्या हो जाएगा? 8। मतलब ये वाली साइड क्या आ गई? 8 आ गई। ठीक।
ठीक है। अब हमें ये साइड निकाल लेते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 6, ये वाली साइड आ गई हमारे पास 6। अब कौन सी बची, ये 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 2, 2 3 6, 6 प्लस 2 8, ये भी क्या आ गए 8। तो इससे हमें एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि जो हमें वैल्यू दे रखी थी कि कोई दो साइड आपस में इक्वल है, और हमें क्या दिया गया था 3x माइनस 1 और 2x प्लस 2, जब हमने इन दोनों की वैल्यू निकाली तो दोनों की वैल्यू क्या आई, इक्वल ही आई। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का एड, ठीक है, 8 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 22, मतलब ट्रायंगल का पैरामीटर क्या आ गया 22 यूनिट्स, हमें ये यूनिट्स में दे रखा था तो यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, और इनको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड होते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़े, और लीनियर इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने इस चैप्टर में सीखा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।